करण टैकर और क्रिस्टल डिसूजा, टेलीविजन का ऐसा कपल जिसे साथ ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन सबसे ज्यादा प्यार मिला है। वेल, पर ये वो कपल है कि जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज्यादा कम बात की है, फिर चाहे वो लव अफेयर हो या फिर उनके ब्रेकअप का रीजन हो, बहुत ही कम इन्होंने पब्लिकली आके बात की है। पर हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ करण टैकर का, जहां पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है। तो क्या करण और क्रिस्टल अभी भी टच में हैं? क्या करण कभी भी क्रिस्टल के साथ काम करना चाहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं करण ने इस इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में करण को पूछा गया कि क्या अभी भी वो क्रिस्टल डिसूजा के साथ टच में है, क्या अभी भी वो दोस्त है क्रिस्टल के, तो करण ने साफ मना कर दिया। करण ने ये कहा कि बिल्कुल भी वो टच में नहीं है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में भी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है ब्रेकअप के बाद। जी हाँ, वहीं जब करण को ये पूछा गया कि प्रोफेशनली वो क्रिस्टल के साथ काम करना चाहेंगे अगर उनको कोई शो ऑफर हुआ, क्योंकि हम सभी को पता है एक हज़ारों में मेरी बहरा है ये जो शो था, उनकी केमिस्ट्री इतनी सिजलिंग रही इस शो में, तो आगे भी यू नेवर नो कि उन दोनों को ही एक शो ऑफर किया जाए। तो जब ये सवाल किया गया करण से, तो उन्होंने ये कहा कि ऑफकोर्स प्रोफेशनली क्यों नहीं टीम अप होंगे वो क्रिस्टल के साथ, ही इज़ ओपन टू टीम अप विद क्रिस्टल। वो ज़रूर अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो वो को एक्टर नहीं बल्कि स्क्रिप्ट को देखकर शो को हाँ कहेंगे। इस इंटरव्यू में करण को क्रिस्टल के साथ उनके ब्रेकअप की वजह भी पूछी गई, जिस पर करण ने ये जवाब दिया कि उनके पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। वेल, नॉनetheless करण ने एटलीस्ट ये तो कहा है कि प्रोफेशनली ही इज ओपन टू वर्क विद क्रिस्टल। तो इस खबर को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, इन दोनों को ऑन स्क्रीन साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, आप अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर बताइए। और देखते रहिए टेली मसाला।